माइंड ब्लोइंग। गैस थोड़ा सा मीट ले लिया, अभी इसको धुला लेते हैं हम। तो दही डाल दे रहे हैं यहाँ पे, तो अभी मिक्स कर लेते इसे। चावल भी पक चुका है और मीट भी पक के तैयार। तो बहुत बढ़िया, और नीचे तक है चावल, नीचे तक गया ना। चिकन तो बढ़िया से पका है लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बॉय प्रीतम, नाउ वाचिंग माय YouTube चैनल एक्सप्लोर विद प्रीतम। होप्स आप लोग सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, जहाँ भी होंगे। गाइस वेदर चेक करो, कैसा क्लाउडी पिछले 8-10 दिनों से। तो सुबह सुबह क्लास करके मैं अभी स्कूल की ओर जा रहा हूँ, इटली स्कूल की ओर। एक्चुअली रेमी स्कूल में आज क्लास 5 का बोर्ड एग्जाम है और आज का ड्यूटी मेरा पड़ा है इन्विजिलेशन के लिए। तो मैं और रोहित जी अभी सीधा बच्चों को लेकर रेमी स्कूल चला जाऊंगा। तो ये है अपना इटली स्कूल, बच्चे असेंबली के लिए रेडी हो रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। तो हम बच्चे को लेके अभी जा रहे हैं रेमी स्कूल की तरफ। उधर बिल्डिंग के बच्चे भी निकल गए ऑलरेडी। तो सारे बच्चे एग्जाम देके निकल चुके हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। तो फाइनली गाइस एग्जाम खत्म हो गया, अभी हम लोग एग्जाम हॉल से निकल चुके हैं। ये बच्चे लोग सब यहाँ पे हैं। कैसा हुआ तुम लोग का एग्जाम? अच्छा हुआ है? अच्छा हुआ है। कितना मार्क मिलेगा? पूरा मिलेगा। और आगे अमित सर है, तो अभी यहाँ से सीधा घर पे जाके आप लोगों को मिलते हैं। A few moments later. तो गाइस घर से सीधा पेंथर को लेके हम आ गए तपत विलेज, और यहाँ पे आके हम अपना वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो अपना 3 बजे आएगा आज। ये अपना जियो टावर, और इसका सामने अपलोड करने से जल्दी हो जाता है। टाउन में आज नेट का स्पीड बहुत ज्यादा कम है, तो फटाफट अपलोड करते हैं फिर चलते हैं क्लास में। तो पावर शेयरिंग को समझने के लिए आपको एक फेडरल गवर्नमेंट उठाना पड़ेगा। पहले हम लोग का ये ऑलरेडी ब्रिटिश का रूल में था हम लोग। A few inches later. तो गाइस अभी घर आ चुके हैं क्लासेस करा के। आज दिन का मैंने लंच नहीं किया, एक्चुअली लंच करने का मन नहीं था हमको। तो अभी आके देखते हैं कि पापा यहाँ पे लोकल मीट काट रहे। देखिए लोकल मुर्गी एकदम ताजा ताजा ऑर्गेनिक वाला। ये रात का प्रिपरेशन है, रात को हम बम्बू राइस भी बनाएंगे और बेम्बू चिकन बनाएंगे आज। और बाकी जो बचेगा कुछ लेंगे हम बेम्बू चिकन के लिए, बाकी जो बचेगा वो मम्मी लोग अपना गेस्ट के लिए बना रहे। तो यहाँ पापा पूरा काट के इसका ऑपरेशन कर रहे एकदम। इसको भी करेंगे ना, क्योंकि हमें ऑपरेशन करना आता नहीं है, तो ये सब पापा ही करते हैं। पापा ऑपरेशन में माहिर है, इंसान का बोलो, मुर्गी का बोलो, हर चीज में। और इधर मम्मी पानी बॉयल कर रहा है, इसी जगह में हम बम्बू राइस बनाएंगे रात को, बम्बू राइस और बम्बू चिकन। तो अगर आपको कभी भी बम्बू चिकन बनाना है तो सबसे पहले मैंडेटरी चीज क्या होता है, आप मीट को लेके मैरिनेट करो कम से कम 2-3 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए कम से कम ना। तो मैं अभी ट्यूशन जा रहा हूँ, उसका पहले क्या करूंगा, मैं मीट को धुला के अभी मैरिनेट करके जाऊंगा, मसाला वसाला देके कैसे मैरिनेट करते सारा प्रोसीजर को दिखाऊंगा। तो उसके बाद जब भी आऊंगा रात को तो फटाफट हम बना पाएंगे, तब तक पूरा मैरिनेशन कंप्लीट हो जाएगा उसका, राइट। तो बने रहिए ब्लॉग में, आपको दिखाते हैं अभी मीट धुला के, फिर आपको दिखाते हैं कैसे मैरिनेट करते हैं हम लोग। सब मीट ले लिया, अभी इसको धुला लेते हैं हम, कि हम ज्यादा नहीं लेगा, एक ही बम्बू में बनाएगा और एक बम्बू में बनाऊंगा राइस। तो मैंने ले लिया यहाँ पे, तो अब इसको धुला लेते हैं। देखो पूरा फ्रेश हो गया, थोड़ा सा हाथ धो लेते हैं। तो अभी इसको ले चलेंगे मैरिनेशन प्रोसेस के लिए, इसमें क्या क्या डालेंगे आपको दिखाऊंगा। चलेगा इस वैसे हमें ऑलरेडी मम्मी तैयार करके रखी थी एक्चुअली, प्याज टमाटर यहाँ पे जिंजर लहसुन गार्लिक ना, क्योंकि मम्मी लोग तो अलग से मीट बनाएगी। तो मैं यहाँ से ले लूंगा कुछ, लेके से ग्राइंड कर लूंगा, इसमें पूरा पेस्ट बना लूंगा, पेस्ट बना के फिर इसमें हम लोग मैरिनेशन प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये है अपना प्याज वैसे रेडी है, इसमें ग्राइंड करते हैं फटाफट। यस, और ये कुछ प्याज डाल देंगे। उस दिन जंगल में तो हम लोग हाथ से सब कुछ किया। काफी अच्छा पेस्ट हो गया गैस। तो एक चम्मच दे दिया और एक चम्मच देते हैं यहाँ पे बस। तो गैस इसमें हमने अभी तक मिर्चा नहीं डाला है, क्योंकि मैं मिर्चा पाउडर डालने बोला था मम्मी को, तो मिर्चा पाउडर डालेंगे। अब यहाँ देखिए फ्रेश दही, तो मैरिनेशन के लिए दही बहुत नेसेसरी है, तो दही डाल दे रहे हैं यहाँ पे। ये है मसाला, मैं डाले तो हल्दी 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार, तो ये जीरा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये धनिया पाउडर, ये है मिर्ची,
और ये क्या है? ये भी नमक है। और ये क्या है? मीट मसाला दे देते ना। ये तो नहीं, ये नहीं दिया अभी तक। हो जाएगा अभी गैस, इसको मिक्स कर लेंगे। तो अभी मिक्स कर लेते इसे। ये देखो, इसे कहते हैं मेरीनेशन। ये होता है मेरीनेशन प्रोसेस। तो कंप्लीट मिक्स कर दे रहे इसे अच्छा से। उसके बाद कितना टेस्ट होगा ना गैस, ये 2-3 घंटे बाद जब कंप्लीट मेरीनेशन हो जाएगा ये, उसके बाद हम इसको बम्बू में बनाएंगे। अब इसको ढक के हम रख देंगे यहाँ पे। हो गया, अभी ये मेरीनेट होते रहेगा। अभी चलते हैं, कुछ पत्ता भी लाना है, उसके बाद क्लास चले जाते हैं। 3 hours later गाइस, चेक करें, रात की 8:10 हो रहे हैं और अभी जस्ट मेरा ट्यूशन खत्म हुआ है। तो अभी यहाँ से फटाफट घर चलते हैं और घर पे सब कुछ मेरीनेट होकर 4 घंटा हो भी गया ऑलरेडी। तो अभी जाके बैम्बू राइस और बैम्बू चिकन फटाफट बनाते हैं और पूरा रेसिपी आपको दिखाते हैं किस तरह से पकाना है, कितना क्या हीट करना है। और मैंने कॉल पत्ता भी ऑलरेडी काट के लेके आया है, मेरे एक स्टूडेंट ने कॉल पत्ता ला के दिया, क्योंकि कॉल पत्ता से ऊपर से बंद करना पड़ेगा बैम्बू को। तो सब कुछ करके रेडी करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं गाइस घर जाके। चलिए गाइस, घर आ गया और घर आते हैं, इसका हल्ला देखो, मामा मामा चिल्लाना शुरू। आ गया हम, आ गया। दे ओ, हमारा सामान वापस रख रहा, खेल रहा था ना। हाँ, रख दिया सामान को। हाँ, रख दिया। तो गैस यहाँ पे आग जला लिए हम लोग ने, और अभी मैं क्या करूँगा, बम्बू को ले जाता हूँ। यह बम्बू रखा हुआ है, इसे थोड़ा वाश करना होगा, तो पानी से धुला लेता हूँ फटाफट इसको। तो ये है बम्बू, बम्बू के अंदर थोड़ा सा ये सब लोग को निकालना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से ना, धुला लेता अच्छे से, इस चीज को निकालना होता है। सो गाइस, फाइनली इस बम्बू को पूरा तरह साफ कर लिया, मम्मी ने इसको बॉयल पानी से अंदर में पूरा साफ भी कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। मैंने तेल हाथ में ऑलरेडी लगा लिया, तेल इसलिए लगाया था कि बर्निंग होने का समय ना सुविधा हो जाएगा, थोड़ा जल्दी होगा पकेगा, मतलब तो चीजें थोड़ा जल्दी होगा। ये यहीं पे गर्म हो गया ना मैं, तो काफी एक्साइटेड हूँ, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। इसमें चावल फिलअप करते हैं। आख पूरा आख में आ रहा है। बम्बू राइस, तो ये जो पानी है इसमें बचा है, इसको ये में डाल देते हैं। इसमें और चावल है, इसे भी डाल देते हैं। डबल डबल फुल कर दे रहे ताकि निकले नहीं बचे। अब आ गया हमारा नेक्स्ट बारी, वो है चिकन का। अब चिकन देखिए गाइस, पूरा मैरिनेट होकर तैयार है। अभी हम इसको यहाँ डालेंगे। वाह, आग बहुत खतरनाक है यहाँ पे। गाइस मजा लग रहा है देख के, चिकन तो काफी ज्यादा हो गया, हड्डी भी है ना मम्मी। वाह, मैरिनेट हुआ वाला गाइस, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। लोकल चिकन बम्बू ऑर्गेनिक स्टाइल। Done.
घुमा घुमा के करना पड़ेगा। एक साइड जलेगा, चावल जल जाएगा। तो गैस देखिए बड़ा सील हो गया, अब इसको हम लोग यहाँ रख देते हाथ जल पे पत्ते जब हम उठे हो गए ना। तो गैस यहाँ पे चावल और यहाँ पे चिकन, तो बैम्बू चिकन और बैम्बू चावल पकड़ा एकदम आराम से, आप देख सकते हैं। तो इसको पकने दीजिए, फिर बाद में निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आह गाइस, जो स्मेल आ रहा है ना मीट से, क्या बताएं, और आई कांट एक्सप्लेन। बैम्बू पूरा गर्म हो गया, वाह। इसको दीजिए, ऐसे घुमा देते। सो आई होप चावल भी पक चुका होगा पूरा। क्या स्मेल आ रहा है गाइस, लिटरली मैं स्मेल तो नहीं दिखा सकता, मतलब लेकिन आई कैन फील। सो गाइस यहाँ पे चावल भी पक चुका है और मीट भी पक के तैयार, तो अब इसको निकालेंगे, देखते हैं कैसा हो गया, उसके बाद खाते हैं बैठ के। और इधर पापा बैठे हुए हैं एंजॉय कर रहे, और इधर मम्मी आई, ये भी जस्ट मम्मी एकदम शुरुआत से मुझे हेल्प कर रही है सुबह से लेके। तो 4 घंटा मैरिनेशन किया, मीट तो अच्छा पकना चाहिए और चावल भी अच्छे पका होगा, देखते है। सो गाइस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, मम्मी निकाल रही है, एक्चुअली नहीं ऐसा निकलता नहीं है, चावल तो काफी अच्छा पका है। तो यहाँ देखते हैं बम्बू के अंदर चावल है क्या। देखिए गैस अंदर, देखिए देखिए अंदर में, देखा मैं कितना सुंदर चावल है। देखो गैस, देखो प्रॉपर चावल है अंदर में, इसको निकालेंगे अभी फटाफट। बता गंदे भांगे ना भांगे जे उठा बने रे एक बड़ा तभी तो है भांगे ना। इसको भी निकालते हैं, मेरे पकड़ने में हेल्प करता हूँ। चावल निकले, ये चावल खाने में टेस्ट होगा, हो जाएगा, हो जाएगा, अब निकालो सी। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो गाइस अभी है चिकन की बारी, अभी मम्मी चिकन का पैकेट को खोल रहे हैं, पकड़ी दो नीचे में से कपड़ा से। माँ आपका कपड़ा को दो ना, स्मेल बहुत अच्छे। तो आप नीचे से पकड़िए, तो माँ खींचेगा ऊपर से। तो हम पत्ता को निकाल रहे अभी, अभी काफी अच्छा है, देखते कैसा। वाह चिकन तो बढ़िया से पका है लग रहा है, कितना मजा। नहीं होगा सही, दिखा तो नहीं दे रहे, इतना ही था। गाइस देखिए, वाह गंध, क्या सेंट और क्या गंध आया भाई साहब, वाव। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक चिकन एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक राइस। तो काफी मजा आ रहा है, अभी खा के देखते हैं कैसा लगता है। तो फाइनली गाइस खा के देखते हैं कैसा बना अपना चिकन विकन, तो पूरा बॉयल हुआ है गाइस। माइंड ब्लोइंग, कसम से देखो पूरा बॉयल हुआ है, बहुत मजा गाइस। पहली बार मैंने बनाया बैम्बू राइस और बैम्बू चिकन, इतना अच्छा बनेगा नहीं सोचा था। नेक्स्ट टाइम पर फैमिली के लिए बनाऊंगा। मम्मी खाएगा चावल भी पूरा परफेक्ट पकते हैं।
चावल भी बड़ा परफेक्ट पका है। दोस्तों फाइनली हमारा बैम्बू चिकन और बैम्बू राइस खाना खत्म हुआ। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा टेस्ट होगा, बहुत कम समय में बन भी गया अपना बैम्बू चिकन और बैम्बू राइस। तो नेक्स्ट टाइम पूरा फैमिली के लिए मैं बनाऊंगा, इस बार तो बस ट्रायल के लिए मैं खुद के लिए बनाया था। तो आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं, होप सो आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए दिन में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने मन के करें और अपने दिल के समय। दिस इज बॉय प्रीतम साइनिंग आउट। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।